जो ना ड्रैग रेस करने वाले हैं नई स्विफ्ट की, मतलब ये जेट सीरीज वाला इंजन और अपना ये मल्टी जेट जो भाई बलिनो में आता है, फोर सिलेंडर इंजन जो स्विफ्ट के अंदर भी आता है। स्विफ्ट के अंदर जो है 80 पीएस की पावर है, बलिनो के अंदर है भाई 89 पीएस की पावर। तो ये जो है ना 9 बीएचपी ज़्यादा है और वेट जो है ना मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। हाँ होगा 20-25 के आसपास डिफरेंस, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखी जाए तो भाई ये ज़्यादा पावरफुल रहेगी इस ड्रैग रेस में, लेकिन अलॉय व्हील्स इसके अंदर जो है ना डले हुए, मतलब चौड़े टायर है, तो हो सकता है कि जो एक्सेलरेशन है वो इसका फास्ट हो क्योंकि इसमें वही स्टॉक टायर है पतले पतले। तो ये जो ना स्टार्टिंग में हो सकता है बढ़िया उठ जाए और वो भी जो अच्छी उठेगी, बट हो सकता है अलॉय व्हील की वजह से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है। बाकी जो है दोनों ही गाड़ी भाई ब्रांड न्यू है, मतलब ये अभी ली हमने एक दो दिन पहले और ये भाई 6 महीने पहले ली होगी, तो ज़्यादा पुरानी वो भी नहीं है। दोनों LXi वेरिएंट है, मतलब ये LXi वो सिग्मा। तो चलो दोनों की ड्रैग रेस करते हैं और देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म कर पाती है। सो रोड जो है भाई बिल्कुल खाली है और करते हैं अभी थर्ड हॉर्न पे स्टार्ट। तो ये देखो गई भाई, गई बलिनो, क्योंकि भाई उसमें 9 BHP जो है ना भाई वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कई बार। ये देखो है दोनों ही मैनुअल, देख रहे हो क्या जबरदस्त टक्कर की है भाई ड्रैग रेस और उसके अंदर अलॉय व्हील्स हैं, बट गाड़ी रुक नहीं रही है, वो देखना क्या जबरदस्त जा रही है। उसने गियर आई थिंक फोर्थ डाला, जैसे ही फोर्थ गियर डाला वो रह गई पीछे, मैंने अब शिफ्ट किया है। तो जो पहला राउंड था ना उसमें भाई मेरे हिसाब से तो स्विफ्ट विन कर गई, बट हाँ बड़ी बढ़िया और मतलब पैरेलल सी चल रही थी दोनों गाड़ियाँ, तो टक्कर की ड्रैग रेस थी बिल्कुल बढ़िया वाली, मतलब जिसको देख के वो आ जाए ना मजा कि हाँ यार बिल्कुल दोनों गाड़ी आपस में चल रही है और ना वो आगे ना वो आगे, तो वो बड़ा सीन हो गया था। 9 BHP कहीं ना कहीं भाई मैटर करती है। और अभी जो एक राउंड और हम करेंगे तो वो आप लोग और देखना, अभी पूछता हूँ इससे क्या हुआ। वही 120 के फोर्थ गियर डाल दिया ना तूने, फोर्थ गियर, जैसे ही फोर्थ गियर डाला उसके बाद रह गई थी वो ना, फोर्थ गियर थोड़ा सा डिले करके डालियो। एसी बंद कर ले, मैं भी एसी बंद कर दिया मैंने भी, तू भी कर दे। ट्रैक्शन कंट्रोल भी बंद कर रहा हूं मैं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी बंद कर दे, दबा के ही होएगा ना वो। हाँ वो दबा के रखिए, लाइट आ जाएगी मीटर के अंदर, आ गई। हाँ चलो थर्ड हॉर्न पे। तो भाई अब की बार ना अल्टीमेट वाली होने वाली है, वो पहले ही उसने उठा दी गाड़ी। ये देखो भाई वो अब की बार गई, अब की बार मैंने उसको भाई फॉर्मूला दे दिया। ये देखो गई अब की बार, अब की बार तो भाई काकर से पाड़ दिया बलिनो ने, 9 BHP दिख गई अब की बार, गैप बना दिया अब की बार तगड़ा, अब तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो पहले राउंड में स्विफ्ट विन कर गई थी, लेकिन जैसे उसका ट्रैक्शन वगैरह और वो सब ऑफ किया ना तो भाई बलिनो सही उठ गई। वैसे उसने ना जरा सी मतलब बोल सकते हो कि हाँ कुछ मिनी सेकंड पहले जो ना उसने गाड़ी उठा दी थी। अब करते हैं फाइनल, ठीक आगे ले गाड़ी को, अभी तेरी गाड़ी वैसे ही उठ रही थी उस राउंड में भी भाई, एकदम साथ तीसरे हॉर्न छोड़ दी मैंने वो, लेकिन हल्का हल्का तेरा टायर चलने लग जाता है पहले ही। चल थर्ड हॉर्न पे, थर्ड हॉर्न शीशा ऊपर कर रहा हूँ। बार थोड़ा सा डिले था उसके अंदर, देखो अब हल्की सी जो ना इस साइड दबा लेता हूँ क्योंकि उस साइड पेड़ वगैरह निकले हुए हैं। भाई भक्ति तो है यार बलिनो, कुछ भी बोलो भक्ति तो गंदी है। ये देखो जैसे ही फोर्थ डाला अब वो गई, वो पीछे रह गई क्योंकि जो वैगनार थी ना ये बंदा इतनी स्लो चल रहा है इसके चक्कर में अब ब्रेक मारने पड़ गए। अच्छा तो तूने ब्रेक ले लिए पहले ही है, तो भाई बलिनो जो है ना विनर है वैसे, क्लियर आप देखो ना तो बलिनो विनर है क्योंकि उसमें जो है ना पावर भी ज़्यादा है और भाई हर तरीके से वो है पावरफुल, फोर सिलेंडर इंजन है तो वो कहीं ना कहीं भाई आपको देखो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा पावर के साथ में यदि माइलेज चाहिए तो। बाकी हाँ बढ़िया परफॉर्म किया गाड़ी ने, वो चीज़ मेरे को सही लगी कि हाँ अच्छा खासा परफॉर्म किया है, फिर भी टक्कर दी है मतलब, तो वो 89 पीएस में आती है और ये भाई 80 पीएस में। तो ये थी यार ड्रैग रेस, बाकी स्विफ्ट के साथ और करेंगे और फिर पता चलेगा भाई क्या रिजल्ट रहते हैं। तो चलो जी करते हैं अभी इस वीडियो को एंड, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।